हेलो दोस्तों दोस्तों वीडियो जो बेनिफिशियल लग रही है तो तुम चैनल में सबसक्राइब कर लियो तो वीडियो में लाइक कर लियो। तो अज की वीडियो आप गल करेंगे पंजाब में पेट्रोल पंप किमें खोला जाए। दोस्तों पेट्रोल पंप कंपनी के नियम की ने कि रुपया इस निवेश से लगता है तो पेट्रोल पंप लिए अप्लाई किमें करना है और इसका लाभ मार्जिन की है। तो दोस्तों अगे चलने तो पहले साडा चैनल जरूर सबसक्राइब कर लियो तो वीडियो में लाइक कर लियो। तो दोस्तों सब तो पहले आप अप्लाई की गल करिए दोस्तों इसका मैं सारे जो पेट्रोल पंप की वैबसाइट होंगी है उन्होंने उपर इन्होंने लिंक दिता होंगे है, मतलब कि रिक्रूटमेंट की तरह इन्होंने नोटिफिकेशन क्ढ़ी होंगी है कि इतने इस प्लेस से वो किसी एरिए का नाम दस देंगे ने कि इस प्लेस से सानू पेट्रोल पंप लगाना है, जे किसी की इस एरिए जमीन है तो अप्लाई करो। तो दोस्तों अप्लाई करने जो योग्यता होंगी है उम्र सीमा कम तो कम 21 तो 60 साल होनी चाहिए तो भारतीय नागरिक होना चाहिए तो सिक्ख्या 10वीं पास जरूर होना चाहिए अप्लाई करने वाला कैंडीडेट। तो अगे गल करिए दोस्तों जो लोड होंगी है पेट्रोल पंप ने जिस तरह की जमीन की लोड़ है जमीन का सही दस्तावेज होने चाहिए कैंडीडेट को उसका सिरलेख नाल होना चाहिए तो खेतीबाड़ भूमि या गैर खेती भूमि में तब्दील होनी चाहिए है। तो जे जमीन किसी होर के नाम पर है तो NOC भी अपने कोल होना चाहिए तो पानी की सप्लाई और बिजली की सप्लाई प्रोपर होनी चाहिए है। तो लीज़ एग्रीमेंट ज लीज़ पर है जमीन तो लीज़ एग्रीमेंट भी तुहाडे कोल होना जरूरी है। तो दोस्तों इसमें अप्लाई करने का तरीका जो पेट्रोल पंप की जो कोई भी पेट्रोल पंप है भारत पेट्रोलियम ला लो हिंदुस्तान पेट्रोलियम रिलायंस पेट्रोलियम इन्हों की सारी एक वैबसाइट होंगी है। तो जे अपना नैट पर सर्च करें जिसमें मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी तुम्हें दे देंगे उतो सीधा तुम क्लिक करके वो नोटिफिकेशन चैक कर सकते हो। इन्होंने अप्लाई करने जो नोटिफिकेशन जारी की होंगी है कि मैं इस थान पर पेट्रोल पंप लाने लिए जमीन चाहिए, जे थोड़ी जमीन उस एरिए दे अंडर आती है तो तुम अप्लाई कर सकते हो। ओके दोस्तों तो इस तो इलावा वैबसाइट जे तुम्हें नॉलेज नहीं है वैबसाइट पर चैक करनी तो यह रेगूलर अखबारों में भी नोटिफिकेशन देते रहेंगे ने कि न्यूज़ देते रहेंगे अखबारों में कि सूँ इस थान पर पेट्रोल पंप लिए जाने की जरूरत है। तो उस तो बाद आप हूँ दोस्तों आप गल कर लेना पेट्रोल पंप उत्ते निवेश की भी कि खर्चा होंगे। दोस्तों इसका पेट्रोल पंप की कंपनी उपर निर्भर करती है, जे पिंड विच तुहाडी जमीन है जां पंप आप पिंड विच लाउणा है तां 15 तो 12 लाख नॉर्मली जी कोस्ट है जो आ जाती है पेट्रोल पंप लाउण ते, अते जे शहर विच है तां 15 तो 20 लाख रुपए नॉर्मल जी कोस्ट जो आ जाती है पेट्रोल पंप लाउण उत्ते। तो अगे गल करिए ना दोस्तों लाभ प्रति लीटर इसका की होंगे है, की बेनीफिट होंगे पेट्रोल विच अते की इसका खर्चा होंगे है। दोस्तों जो पेट्रोल की जो प्रॉफिट है वह पर डे जो सेल 1000 लीटर पेट्रोल पंप पर जो आप सेल करता है तो प्रॉफिट 3000 होंगे है, सब खर्चे कट के मतलब प्रति लीटर ते 3 रुपए की आपको सेविंग होंगी है, मतलब बचता अपने को प्रॉफिट। तो डीजल की गल करिए वह 2 रुपए प्रति लीटर आपको सारे खर्चे तो बाद आपको बचते हैं। तो दोस्तों जे दिन का आप डीजल भी 1000 लीटर बेचते हैं तो 2000 रुपये दिहाड़ी पैंती है। ओके दोस्तों हम आप गल कर लेने जो पेट्रोल पंप की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उन्होंने लिंक की। दोस्तों थले तो जो पेट्रोल पंप उस जी पर दिख रहा है HP है ना उसके नीचे तो उसका जो लिंक है जो ऑफिशियल साइट का वो तुम्हें दिख जाएगा। जो तुम चैक करना चाहते हो तो www.hindustanpetroleum.com लिख के सर्च करके उसे नोटिफिकेशन चैक कर सकते। ओके दोस्तों इस तो इलावा जे साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया प्लीज़ साडा चैनल जरूर सबसक्राइब कर लो। इस तरह की वीडियो मैं लगातार अपने चैनल उत्ते पाउंदा रहना तो तुहानू घरे बैठे जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मिल सके।